सिंह और बारबुडा से हाल में फरार हुए भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को पड़ोस के डोमिनिका में पकड़ लिया गया है। वह अचानक एंटीगा से लापता हो गया था। इसके बाद पुलिस ने धरपकड़ शुरू की। उसके खिलाफ इंटरपोल ने येलो नोटिस जारी किया। स्थानीय मीडिया की खबरों में बुधवार को यह बताया गया, चौकसी और उसके भांजे नीरव मोदी ने भारत के पीएनबी से कथित तौर पर 1,500 करोड़ रुपए की जालसाजी की है। नीरव मोदी लंदन में जेल में है और अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ मुकदमा लड़ रहा है। तो वही एंटीगा और बारबुडा द्वारा इंटरपोल का येलो नोटिस जारी किए जाने के बाद डोमिनिका में पुलिस ने मंगलवार रात को चौकसी को पकड़ लिया। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक चौकसी नाव से समंदर के रास्ते डोमिनिका पहुंचा था और वहां से क्यूबा भागने की फिराक में था। एंटीगा न्यूज रूम के मुताबिक चौकसी एंटीगा और बारबुडा की नागरिकता लेने के बाद 2018 से यहां रह रहे थे। लापता लोगों की तलाश के लिए इंटरपोल येलो नोटिस जारी करता है। खबरों में बताया गया कि उसे एंटीगा और बारबुडा के रॉयल पुलिस फोर्स को सौंपने की कवायद चल रही है। चौकसी को आखिरी बार रविवार को एंटीगा और बारबुडा में अपनी कार में खाना खाने के लिए जाते हुए देखा गया था। चौकसी की कार मिलने के बाद उसके कर्मचारियों ने लापता होने की सूचना दी। चौकसी के वकील विजय अग्रवाल ने पुष्टि की थी कि चौकसी रविवार से लापता है। एंटीगा और बारबुडा की संसद में विपक्ष द्वारा मामला उठाए जाने के बाद कैरेबियाई द्वीपीय देश में चौकसी के लापता होने को लेकर जमकर हंगामा मच गया। विपक्ष के सवाल पर प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने कहा कि उनकी सरकार चौकसी का पता लगाने के लिए भारत सरकार, पड़ोसी देश और अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठनों के साथ मिलकर काम कर रही है। चौकसी ने निवेश द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के कार्यक्रम का इस्तेमाल करते हुए 2017 में एंटीगा और बारबुडा की नागरिकता ले ली थी। जनवरी 2018 के पहले सप्ते में भारत से फरार होकर वो वहां पर चला गया था। बैंक से जालसाजी का मामला बाद में सामने आया। चौकसी और नीरव दोनों ही सीबीआई जांच का सामना कर रहे हैं।